जाते 20-22 के आसपास सिटी में भी और हाईवे पे 20-22 की दिल्ली में। हम जिम कॉर्बेट 4000 के पेट्रोल में आ भी गए चले भी गए दिल्ली से फ्रॉम दिल्ली। अगर आपको इसको दिल्ली में या सिटी में चलाना है तब तो ये परफेक्ट है, बट अगर आपको इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना है, माउंटेन्स पे लेके जाना है, चढ़ाई पे चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत थी, वो भी इसलिए क्योंकि पावर की वजह से इंजन पावर थोड़ी कम लगी। इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत हैवी है। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। दोस्तों आज आपके लिए ओनरशिप रिव्यू लाए हैं टोयोटा की। कौन सी गाड़ी का आपने गेस कर ही लिया होगा, बिल्कुल सही कहा। ये देखो हाइब्रिड, एंड हाइब्रिड कौन सा हाइब्रिड है, इसमें दो हाइब्रिड आते हैं। ये है भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, यानी कि जो टॉप मॉडल आता है, जो सबसे फेमस हो रहा है वी वेरिएंट, जो कि टॉप मॉडल है, जो कि लगभग आपको 21 से 22 लाख रुपए का आता है। अब भाई बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि 22 लाख रुपए खर्च करके भाई 3 सिलेंडर इंजन, इतनी कम पावर, 115 bhp, ये वो। तो भाई मेरे मन में भी यही सवाल था, एंड ओनर ने क्यों ये गाड़ी ली, कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी, एंड आज के टाइम पर जब कोई कस्टमर 22 लाख रुपये खर्च करता है तो वो क्या सोच के करता है, एंड वो अपने ऑप्शन में कौन कौन सी गाड़ियाँ लेके चलता है, सारी बातें आज जो है हम इस वीडियो में करेंगे। एंड अगर आप भी एक परचेज़र हैं, आप भी इस सेगमेंट में कोई गाड़ी ले रहे हैं, तो आपके ये बहुत काम आएगा, बिकॉज जिन्होंने ये गाड़ी ली है वो भी आपकी तरह ही होते हैं, जो कि सारी सेगमेंट की गाड़ियाँ देखते हैं, चलाते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उनके एक्सपीरियंस से। तो बिना किसी देरी के आपको जो है गाड़ी के ओनर से मिलवाते हैं। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। एक बार अपना इंट्रोडक्शन हो जाए। माय नेम इज सान्या राणा एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस कार। मैम सबसे पहले तो ये बहुत ही सुंदर गाड़ी लग रही है, काले रंग में ऐसा लग रहा है मिनी फॉर्च्यूनर होती है। तो अब एक बार व्यूअर्स को बता दो कि हाई राइडर ही क्यों, क्या रीजन था ये गाड़ी लेने के पीछे? मैंने और भी कार्स देखी थी, अल्काज़ार देखी थी, टाइगन देखी थी, ग्रैंड विटारा देखी थी। ग्रैंड विटारा सुजुकी का टैग नहीं चाहिए था मुझे, अल्काज़ार की सेफ्टी इश्यूज बहुत थे एंड टाइगन की एवरेज नहीं। तो मैम ये आपको कितने की पड़ी थी ऑन रोड? ये 22.5 की। तो जब एक कस्टमर 22 लाख इस सेगमेंट में जाता है तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, लाइक कंपस भी आ जाती नीचे के वेरिएंट। तो कंपस बहुत हैवी कार थी, जो कि बेसिकली मेरे डैड को ज्यादा ड्राइव करनी है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो सकती थी। अच्छा। और ये वाली जो रेंज थी और हाइब्रिड थी उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट था। कंपस आपने देखी थी शोरूम में जाके, टेस्ट ड्राइव ली थी उसकी? नहीं, टेस्ट ड्राइव नहीं। अच्छा, तो और कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी? ग्रैंड विटारा देखी थी, अल्काज़ार देखी थी, टाइगन देखी थी, बट उन सब में से हाइब्रिड यही थी जो हमें बिल्कुल परफेक्ट लगी। हाइब्रिड लेने का क्या कारण, जैसे अगर ये अगर मैं बात करूँ तो ये 3 सिलेंडर इंजन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अगर माइलेज मिल रही है तो पावर कॉम्प्रोमाइज़ होता, तो ये आपने सोचा नहीं लेने से पहले? बेसिकली ये लोकल चली थी तो ज़्यादा इसमें इशू आना नहीं था, तो हाइब्रिड हमने ज़्यादा प्रेफर करी, क्योंकि वही है कि ये एक ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहती है, जब ये पेट्रोल पे होगी तो चार्ज होती रहेगी, तो इसमें ये भी नहीं है कि हमें चार्जिंग का इशू हो या चार्ज करनी है कार या कुछ। और फिर ब्लैक कलर तो हमें वैसे ही लेना था क्योंकि ब्लैक लुक। अच्छा, ब्लैक लेने का एक भाई ये तो देखो हाल क्या हो रखा है गाड़ी का, अगर पता नहीं कैमरा में कितना दिख रहा है, ये देखो बिल्कुल गंदी हो जाती है। आज संडे, आज कार क्लीन नहीं हुई है इसलिए है, बट ब्लैक की जो लुक है वो ब्लैक की ही लुक है, वो व्हाइट पे नहीं। ये तो है गाड़ी सुंदर तो बहुत, ब्लैक में मेंटेनेंस बहुत सही होती है, बट ब्लैक की लुक रॉयल फिर ब्लैक की। अच्छा, इससे पहले आप कौन सी कार ड्राइव कर रहे थे? इससे पहले हम ड्राइव करते थे क्रेटा। और कौन सी थी आपके पास? इको स्पोर्ट्स और स्विफ्ट। अच्छा, तो इको स्पोर्ट आप चलाते थे पर्सनली? नहीं, वो मेरा ब्रदर ड्राइव करते थे। अच्छा, एंड स्विफ्ट जो है? स्विफ्ट में। तो स्विफ्ट के बाद जब इस पे आया तो क्या फील आई ड्राइव की? बिल्कुल ऐसा हो गया कि मिनी कार से आप इतने ह्यूज वर्जन ऑफ कार पे आ गए हो, ये तो बिल्कुल मिनी फॉर्च्यूनर टाइप की लगती है। ओके। क्योंकि एक बारी आपने मेरे से कंसल्टेंसी ली थी कि कौन सी गाड़ी लेनी है, तो मैंने आपको सेफ कार जो है सजेस्ट करा था कि आप कंपस या फिर कुशाक लो। तो कंपस कुशाक से जो है हाई राइडर का सफर कैसा रहा, एक बारी वो बता दो व्यूअर्स को। बिल्कुल अच्छा था। बेसिकली कंपस का जैसे मैंने अभी आपको रीजन दिया कि कंपस बहुत हैवी कार थी और फिर उसकी एवरेज नहीं आती, हमें सिटी में चलानी है, मेरे डैड को बेसिकली ऑफिस लेके जानी है, दिन की 50 किलोमीटर्स के अराउंड चलनी है, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट कार है कि ये चार्ज भी खुद हो जाएगी और ये पेट्रोल भी कम लेगी, माइलेज दे रही है। इसमें आती 20-22 के आसपास सिटी में भी और हाईवे पे। 20-22 की दिल्ली में? हाँ जी, लोकल के अंदर 20-22 की, एंड हाईवे पे 20-22 सेम है? Yes. ऐसा कैसे हो सकता है? सेम है, आप ड्राइव करके देख सकते हो। एंड अगर अभी जिम कॉर्बेट होकर आई हूँ कार में, बट इसमें एक इशू आया था कि जब हम माउंटेन्स में थे कुछ चढ़ाई में दिक्कत हुई थी थोड़ी सी पावर की वजह से, वरना वैसे बिल्कुल परफेक्ट। ये दिक्कत आज तक अभी इको स्पोर्ट में फील हुई है?
क्योंकि वो मैनुअल थी और ऊपर से डीजल थी वो, पावरफुल काफी थी, तो इसमें आपको पावर का हल्का बहुत थोड़ा सा सिटी में तो फील नहीं होता होगा लैग वगैरह। सिटी में नहीं फील होता, सिटी में बिल्कुल परफेक्ट है। अभी तक मेरे को ये ऑलमोस्ट 20 डेज हो गए, मैंने 5th को ली थी, 20 डेज हो गए, तो अब तक मुझे कोई इशू नहीं दिखा इसमें। कुछ पर्सनल इशू है सिवाय एक माउंटेन्स पे चढ़ने में जो दिक्कत थी, वो भी ड्यू टू पावर थी, क्योंकि चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी। अच्छा, आजकल के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो कस्टमर अगर 20 या 22 लाख रुपए खर्चता है ना, तो उसके मन में होता है टर्बो इंजन, मतलब गाड़ी पंजा दबाऊं मैं और गाड़ी रॉकेट की तरह उड़े, कि टर्बो इंजन लेना है, जैसे क्रेटा का आता है, टाइगून का आता है, या वरना भी अभी अभी आई है, तो टर्बो गाड़ी छोड़ के माइलेज वाली गाड़ी, क्योंकि टर्बो वाली गाड़ी ऑनेस्टली बोलो तो वो थोड़ी सी शोशोबाजी या थोड़ा सा अगर तुम्हें रेस करनी हो और गाड़ी भगानी हो उसके लिए। अब मेरे को बेसिकली ये भगानी नहीं है, मेरे को मेरे डैड को मेरे को नॉर्मल सिटी में चलानी है, ये ऑफिस जाना है, घर आना है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा फाइनेंशियली भी देखा कि जो चीज़ फाइनेंशियली कन्वीनियंट हो, फाइनेंशियली सस्ती तो नहीं है, 22.5 लाख रुपए की आई है, बट अगर तुम लॉन्ग टर्म देखो तो इसमें पेट्रोल कम लग रहा है, ये तो है, क्योंकि माइलेज हम जिम को 4,000 के पेट्रोल में आ भी गए, चले भी गए दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली टोटल कितना किलोमीटर था? 500 किलोमीटर आना जाना, 500 किलोमीटर 4,000 रुपए में, ये तो बड़ी सही माइलेज देती है, यानी इसने लगभग 20-22 सही सी माइलेज दे दी हाईवे पे। मैंने आपको कहा अभी 20-25। अच्छा, हाईवे पे तो कब नहीं है इसकी माइलेज? नहीं, हाईवे पे भी, मतलब हाईवे पे 20-22 तो हर गाड़ी दे देती है। नेगेटिव्स क्या लगते हैं गाड़ी के? पॉजिटिव तो हर कोई बताता है, तारीफ हर कोई करता है। अभी तक जो 20 दिन में लगे वो एक माउंटेन्स वाला ही लगा है कि चढ़ाई पे चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत थी, वो भी इसलिए क्योंकि पावर की वजह से, इंजन पावर थोड़ी कम लगी, बट ठीक है, अब इतनी पॉजिटिव चीजें मिल रही है तो थोड़ा बहुत, तो नेगेटिव कौन सा, रोज पहाड़ों पर ही चलानी है, सिटी में ये बिल्कुल परफेक्ट है अब तक। एंड स्पेस में कोई दिक्कत नहीं, स्पेस भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, आप बोथ स्पेस भी देख सकते हैं, डिक्की भी इसकी बढ़िया ही है, और ये भी निकल जाता है, इसके नीचे बैटरी छे आ गया, हां नीचे होगी ना इसके, स्पेस भी ठीक ही है, कोई दिक्कत आई थी डिक्की की? नहीं नहीं, बूट्स पे और कोई नेगेटिव? कोई कुछ तो होएगा नेगेटिव, इसमें रूफ भी पूरी ओपन हो जाती है। हां, एक बारी गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं मैम के साथ गाड़ी के अंदर आ गया हूं, अब थोड़ी बातें करते हैं इंटीरियर की एंड ऑल। हाँ जी, तो एक और रीज़न आपने पूछा था कि ग्रैंड विटारा क्यों नहीं ली, तो ग्रैंड विटारा ना लेने का एक ये भी रीज़न था कि उसमें मारुति का टैग था, एंड सबको बताया मारुति का टैग, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग कंपेयर करें एक टोयोटा के टैग से तो हम 22 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और सुजुकी बना हुआ है, टैग यहाँ पे ले रहे हो, तो या और ये थोड़ी फॉर्च्यूनर वाली फील देती है। हाँ, जब बिल्कुल बिल्कुल, जब इस पे बैठते हैं तो ये जितना मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैंने सीट विजिबिलिटी जो है ये तो नीचे बोनट दिखता है मेरे को, हैंड ऊपर से ये भी है, कल को आप इसे सर्विस कराने लेके जाओगे तो आपको फॉर्च्यूनर दिखेगी। हाँ, ग्रैंड विटारा जाते हैं है। तो आपको एस्प्रेसो वगैरह दिखती है। कल हम लोग सर्विस करा के आए तो जब हमने सर्विस सेंटर पे गए तो सिर्फ फॉर्च्यूनर्स और टोयोटा की सेक्टर की सेगमेंट की गाड़ी दिख रही थी। कैसा सर्विस एक्सपीरियंस रहा? सर्विस एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ, हमने सुबह दी थी और शाम तक आ गई थी, हमें फर्स्ट सर्विस थी 2000 किलोमीटर पे थी, जो कि मेरी 2200 चल चुकी है अभी, इतनी जल्दी 2200 चला दी। हम लोग जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ गए थे, दोस्तों यही फायदे है हाइब्रिड गाड़ी के, ये पेट्रोल गाड़ी होती तो 200 किलोमीटर चली होती। 2157 चल चुकी है हमें। ये बेसिकली कार आपने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया या डैड के लिए? डैड के लिए। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी गाड़ी है, डैड को डेली ऑफिस आना जाना होता है तो लाइक 50 किलोमीटर से ज्यादा, 360 व्यू कैमरा है ये, कैसा 360 कैमरा। एक नेगेटिव ये है कि इसकी जो शीट है ये बहुत पतला पर्दा है इसका। हाँ, ये तो मैंने ग्रैंड विटारा में नोटिस, ये गंदा क्यों हो रखा है, ये तो मिट्टी को जाती है, ये तो बहुत शीट है, ये बहुत पतला है, तो जब अच्छी गर्मी आएंगी जून जुलाई में तो बहुत ज्यादा इशू होगा। आपने तो एक्सपीरियंस करा अभी तक? कुछ ना कुछ अभी नहीं एक्सपीरियंस करा, और हम इस पे शेड कुछ और छत भी लगवा सकते क्योंकि पीछे रोलर है। हाँ। तो ये पीछे जाके रोल होता है, ये गर्मियों में तो बड़ी दिक्कत, तो गर्मियों देगा। में बहुत दिक्कत आएगी, तो या तो हम इस पे कुछ ब्लैक कलर की शीट लगवाएंगे जिसकी वजह से सन नहीं, ये तो ऑलरेडी ब्लैक होती है अगर आप ऊपर से देखो ना, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये तो वैसे बड़ी हीट अब्सॉर्ब करता है क्योंकि ये बहुत इशू आई है, अभी तक हमें आया नहीं है क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं आई है दिल्ली में, इशू है। अब टोयोटा इम्प्रूव कर भी देगा यार दोस्तों इस चीज़ को, तो फिर जिन्होंने ले ली वो क्या करेंगे ना, जिसने 20-22 लाख रुपए खर्च कर दिए वो बेचारा कहीं जाएगा फिर। इसके यहाँ पे भी हर जगह लाइट्स है, सीट्स वेंटिलेटेड है, ये तो मुझे लग रहा है बलिनो वाला इन्होंने दे रखा है ये जो पूरा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मारुति के साथ भी कोलैब करा, तो कुछ चीज़ें इसकी पूरी वेंटिलेटेड है, वायरलेस चार्जिंग है यहाँ पे, मतलब फीचर सारे ही मिलते हैं, किसी चीज की कमी लगती है आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार अगर मैं गाड़ी ले रही हूं तो? टाइप सी पोर्ट भी है पीछे भी चार्जर, आगे नहीं टाइप सी है, नहीं आगे नहीं है टाइप, आगे क्यों नहीं है फिर, पीछे है टाइप सी, सोफा ड्रिवन है शायद, और हैंडरेस्ट भी है पूरा, यहां भी स्पेस है अच्छी खासी। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जैसे आप ये गाड़ी ओन करते हो
तो अगर कोई कस्टमर आज के डेट में हाई राइडर प्लान कर रहा है, चाहे वो यही वाला वेरिएंट हो गया वी वेरिएंट, या फिर कोई नीचे का वेरिएंट हो गया, या चाहे ग्रैंड विटारा हो गया, क्योंकि सेम गाड़ी है दोनों, तो आप उन्हें सजेस्ट करोगे? मैं ये गाड़ी जरूर सजेस्ट करूंगी, ग्रैंड विटारा नहीं सजेस्ट करूंगी बिकॉज ऑफ सुजुकी का लेबल. एंड इसमें आई थिंक सो सेफ्टी ज्यादा है, इसका स्टेयरिंग व्हील बहुत हेवी है. अभी आप ड्राइव करेंगे तो स्टेयरिंग इसका बहुत अच्छा है स्विफ्ट के कंपैरिजन में. मैं मेरे पास स्विफ्ट थी तो बिल्कुल सेम स्टेयरिंग है इसका स्विफ्ट जैसा, बस यहाँ पे स्विफ्ट नहीं, नहीं आई मीन डिजाइन में नहीं, चलाने में घुमाने में ये बहुत हेवी स्टेयरिंग है और बिल्कुल परफेक्ट है. मैंने फॉर्च्यूनर भी ड्राइव करी हुई है तो उससे जब मैं कंपेयर करती हूँ तो ये मेरे को बिल्कुल परफेक्ट लगता है, वैसी फील देता है आपको. अगर आपको इसको दिल्ली में या सिटी में चलाना है तब तो ये परफेक्ट है, बट अगर आपको इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना है, माउंटेन्स पे लेके जाना है, फैमिलीज के साथ घूमने जाना है, तो थोड़ी सी इशू आ सकती है पावर की. जैसे मेरे को आया था अभी, मैं नैनीताल गई थी लेकर दिल्ली से, तो हाईवे पर प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब माउंटेन्स पे थे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी. मे बी ड्यू टू ये ऑटोमेटिक है इसलिए, और इसमें मैनुअल गियर नहीं है, सिर्फ मैनुअल मोड नहीं आता, मैनुअल मोड नहीं आता इसमें, तो मे बी इसलिए प्रॉब्लम थी. बट हाँ, वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट है सिटी में चलाने के लिए, परफेक्ट है हाईवे पर चलाने के लिए, परफेक्ट है. ओके ओके, माउंटेन्स पे अगर बहुत ज्यादा किसी को जाना है तो वो ना ही ले, उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव बोल सकती हूँ. माउंटेन्स भी स्पेशली जब वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है तो इशू आ सकता है. चढ़ तो कहीं पे भी जाएगी जब स्विफ्ट ऑल्टो चढ़ जाती है, लेकिन हाँ वो 22 लाख वाली पावर थोड़ी फील नहीं होगी आपको. जैसे अभी मैंने ऑन कर रखी गाड़ी और पता नहीं चल रहा है कि ऑन है. हाँ अभी ऑन है गाड़ी, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, जबकि 3 सिलेंडर इंजन है ये. अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं पहाड़ों पे पावर का लगा, तो अगर आज मैं आपसे बोलूं कि अगर आज आपको वापस 22-22.5 लाख रुपए वापस मिल जाए तो क्या आप यही गाड़ी लोगे या हाँ, फिर आप कोई और गाड़ी लोगे? गाड़ी लूंगी क्योंकि मेरा माउंटेन्स पे ये नहीं है कि मैं हर वीक जा रही हूँ या हर दूसरे दिन जा रही हूँ. मेरे को बेसिकली सिटी के लिए चाहिए थी और सिटी के लिए ये एकदम परफेक्ट है. और मैं किसी को भी रिकमेंड करूंगी, अगर वो 23 लाख 22 लाख स्पेंड कर रहा है तो ये गाड़ी सिटी के लिए एकदम परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है. तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूंगा. थैंक यू सो मच.